हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माय कॉमर्स इन्फो। मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा। बहुत से सब्सक्राइबर्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर भी वीडियो बनाऊं और उसमें बताऊं कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इन सब के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में से किसी में ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। उसमें आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, लॉजिकल एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। अब हम जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन के 40 मार्क्स के, और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट से 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इसका ये आंसर है तो आप वहाँ पर टिक लगा सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग की कोई भी प्रोसेस नहीं है। अब सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट में है कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, कॉमर्स, हिंदी, मैथमेटिक्स, संस्कृत, बायोलॉजिकल साइंस, उर्दू, फिजिकल साइंस, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपको एग्जाम में एटलीस्ट 45% मार्क्स तो लाने ही हैं, तभी आप ये एग्जाम पास कर पाओगे और आपको कोई कॉलेज मिल पाएगा। इसमें कॉलेज जो होते हैं वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है अच्छा, और आपके कम मार्क्स होते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी बिहार एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेरी या सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी रिक्वेस्ट भी आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं मुझसे कनेक्ट होना तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और वहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।